हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंत कृष्ण, मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 16 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कल जो पहले अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया था वो क्या था। तो फ्रेंड, जो कल आपको अभ्यास प्रश्न दिया था वो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने COVID-19 की त्वरित जाँच के लिए एक रोबोट लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, उसका नाम था ऑप्शन बी में जो रखा था कैप्टन अर्जुन उसका नाम दिया गया था। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और आज के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, आरोग्य पथ ऑनलाइन पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा परवा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, राजा परवा त्यौहार उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं त्योहारों से रिलेटेड, कि कौन से राज्य से कौन सा त्यौहार संबंधित है, यहाँ पर मिलाने के लिए आ जाता है। तो ये फिलहाल मनाया गया है उड़ीसा में। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही। तो भारत की रैंक 108 रही है। एक्चुअली क्या है कि इस बार COVID-19 की वजह से रैंकिंग में चेंज नहीं हुआ है, पिछली बार जो रैंकिंग थी उसी को सेम रखा गया है। तो पहले नंबर पे बेल्जियम है, आपको ये भी याद रखना है, और दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। तो आप इतना याद रख सकते हैं और भारत की रैंक है 108वीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित जर्मी क्लीन क्या है। तो फ्रेंड्स, DRDO ने एक जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सैनिटाइजिंग चैम्बर है जर्मी क्लीन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित सोशल डिस्टेंसिंग निगरानी प्रणाली जिसका नाम है साइबर फिजिकल सिस्टम किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, IIT खड़गपुर ने बनाया है ये साइबर फिजिकल सिस्टम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संबंध आधारित सोशल डिस्टेंसिंग निगरानी प्रणाली है और इसको IIT खड़गपुर ने विकसित किया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, घर घर निगरानी ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कोरोना से ही संबंधित है ये, और ये पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है घर घर निगरानी ऐप, इसको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स, और देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। तो अभ्यास प्रश्न आज का ये है, वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन से 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।